क्या दिक्कत है? व्लॉग में फिल्टर अच्छा नहीं लगता है। दिक्कत तो ये है। हाय गाइस, तो आज है नहीं, आज कुछ स्पेशल नहीं है। बस बात कुछ ऐसी है कि अभी अभी मैं ट्रिप से वापस आई हूँ और मैं फिर से जा रही हूँ ट्रिप पर। तो आप कहोगे यार अभी अभी आई है और फिर से जा रही है, यार ये एकदम ही वाहियात लड़की है और एकदम ही वैली है। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ बताऊँगी आराम से। और मतलब इतनी जल्दी रिवील करना पूरी पर्सनल लाइफ ये इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो आपको थोड़े टाइम तक झेलना पड़ेगा, मुझे पूरे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे और कुछ सालों तक मुझे देखना पड़ेगा। फिर आपको मेरी लाइफ के सारे सीक्रेट्स पता लगेंगे कि मैं क्या करती हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, सब कुछ बताऊँगी। और मैं आज तैयार होकर जा रही हूँ। तो वैसे आपने मेरे को ट्रैवल में कई बार देखा होगा कि मैं ऐसी मुँह उठा के टी शर्ट डाल के चली जाती हूँ, बट आज मैं तैयार होकर इसलिए जा रही हूँ, पता नहीं मेरा मन है आज तैयार होकर जाने का। आज इसलिए मैं तैयार होकर जा रही हूँ क्योंकि मेरा मन है यार, ठीक है? तो एक वजह ये भी है कि मैं 2 घंटे में पहुँच जाऊँगी और वैसे ट्रैवल करना पड़ता है पूरे एक दिन लगते हैं, तो इसलिए क्या ही तैयार होकर जाऊँ। तो आज मैं तैयार हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। रुको, और एक चीज़ बता दूँ, वैसे मैं इसलिए भी एक्साइट हूँ क्योंकि मैं फ़्लाइट से जा रही हूँ और मेरा फ़्लाइट का ट्रिप है शायद प्रयागराज टू पुणे, पुणे टू प्रयागराज, फिर है रुको बताती हूँ, काउंट करके बताती हूँ। नहीं हाँ, मैं तो बाहर से लॉक करूँगी। कंफर्टेबल हैं जूते? बहुत ज़्यादा अच्छी भी रहेगी। इसमें थोड़ा सा वो भी है ना, क्या हील थोड़ी सी हल्की सी, हाँ इससे हाइट और थोड़ी इंक्रीज लगती है। और मैं साड़ी पे इसी को पहनी थी इसलिए और ज़्यादा लंबी लग रही थी। बाय 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 चल बाय बाय बाय। सो अब हम फाइनली निकल रहे हैं। हम नहीं यार, मैं निकल रही हूँ, मैं निकल रही हूँ, सिर्फ मैं। ज़्यादा तैयार नहीं हो गई, चल कोई ना। सो नाउ हम मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में। आपको ये तो नहीं लग रहा है हम फ्लाइट में? यार इसमें भी मक्खी है। यार यहाँ पे रील्स बना सकते हैं, राइट? मैंने कुछ ऐसे रील्स देखे हैं जिसमें जाएगी ऑफिशियली, तो ये मैं व्लॉग में कैप्चर कर पाऊंगी बट मैं रील्स में नहीं कर पाऊंगी, तो मैं यही कर लेती हूँ, राइट? यार देखो फ्लाइट मेरी है 1:30 बजे की और मुझे एंटर करना है 11:30 तक और 11:30 हो चुका है। व्लॉग का भूत ऐसा सवार है कि मुझे ये दिखाना है तो शायद ऐसे नहीं दिख रहा है, तो हम पीछे से दिखाएगा वेज। क्या ही हो गया यार मेरे को, ये देख लें। सारे पापा के परी और परा है यार, मेरे पंख क्यों नहीं है? ऐसे ही बना लो, मैं रील्स डाल दूंगी इसका क्योंकि व्लॉग मैंने बना लिया है, पर मैं चाहती हूँ कि कोई रील्स डाल दूँ। आई होप कि अच्छा आ रहा होगा। तो चलो भैया, वरना फ्लाइट चल जाएगी और हम यहीं रह जाएंगे। इधर जाना है हमें, Terminal 2 and 3। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता ही मैंने किससे सीखा था, एक मैंने व्लॉग में शुरू में बोलना इसलिए सीखा था, वो एक ग्लैम गर्ल करके व्लॉग बनाती है, अभी वो ग्लैम कपल हो गए हैं, तो बहुत अच्छा बोलती है, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट माय ग्लैम, ऐसे करके, तो मुझे अच्छा लगा।
चलो हम यहाँ से बंद करवा देंगे, उसके पहले मैं ही बंद कर देती हूँ। हम आ गए, हम मेट्रो से आए, बस बस दिखाने की जरूरत है। चलो नाव, अब हम जा रहे हैं टर्मिनल 3 की तरफ। यार क्या ही बताऊँ, अकेले ट्रैवल करना बहुत ही बोरिंग सा है। सो नाव एयरपोर्ट में आने के बाद आपको बहुत लंबा लंबा चलाएंगे, यार मेरी स्किन कितनी डल हो गई है, राइट? तो अभी मुझे जाना है सी काउंटर और हम पहुँच चुके हैं के की तरफ और बहुत लंबा लंबा चलना पड़ेगा। मुझे लगता है ज़्यादा ब्लॉग लंबा बनाना नहीं चाहिए, वरना आप ही बोर हो जाओगे कि मैं रास्ते में ही ब्लॉग ख़त्म कर देती हूँ और पार्ट 2 में चीज़ें दिखाती हूँ। तो चलो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बीच में तो बना ही लूँगी यार, ठीक है? A few moments later. भाई सब चल चल के हालत ख़राब हो गई, मैं भी सोच रहा ऐसी सी गाड़ी ले लूँ, ये तो मेरे को उड़ाने पर लगे हैं। यार मैं इसके आगे नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, आप यहीं से देख लो, ठीक है? आगे पीछे जो देखना है देख सकते हो। ओके, तो मुझे सी में ही जाना था, यार दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। ज़िंदगी में थोड़े शॉर्टकट ले लेने चाहिए क्योंकि मेरे साथ चला जा रही रहा है और मैं बहुत देर से चल चल के थक गई हूँ। टर्मिनल 3 भाई साहब, 1:30 बजे की फ़्लाइट है और मैं अभी यहीं पर हूँ और मुझे 49 पहुँचना, अभी 42 पहुँचे। सो क्या मैं चल लूँ? चल लेती हूँ। फाइनली 49 मिल गया और हमें यहीं जाना है। डिसाइडेड समथिंग कि आज से प्रोफेशनल वॉक शुरू करते हैं और थोड़ी शर्म है दूर करते हैं, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। आई थिंक मैं ठीक से कर पाऊँ बट कोशिश कर सकते हैं, तो आज से वॉइस कवर बंद। बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिलेगी क्योंकि मैंने स्टार्ट तो वैसे किया है, बट मैं यहाँ तो शुरू कर रही हूँ, तो व्लॉग मैं प्रॉपर अब पब्लिकली करने वाली हूँ और वॉइस कवर नहीं दूंगी। तो चल शुरू करते हैं, और यहाँ से शुरू करी हो तो हो सकता है गलतियाँ हो, तो बस देखते रहना। ओके, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हम भी जा रहे हैं, और जाने के बाद मिलते हैं। यार पब्लिक ब्लॉग करना बहुत डिफिकल्ट है, होप सो कि मैं कर पाऊँ, कोशिश करती हूँ। सो मैं इन गलियों से 2-3 बार गुजर चुकी हूँ, फिर से गुजर रही हूँ, और आई होप कि ये ब्लॉग के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी अच्छा होगा। तो मैं तब ब्लॉग नहीं बनाती थी, बट अभी तो शेयर कर सकते हैं। यार पब्लिक ब्लॉग बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट शायद जिनको नहीं पता होगा मेरे ब्लॉग के थ्रू उन्हें पता लग जाए, जिनके पास बोर्डिंग पास फ़ोन में है उनको बोर्डिंग पास निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी काउंटर पे जाके और बोर्डिंग पास निकलवा के, आप फ़ोन से स्कैन करा के एंट्री कर सकते हो। तो मेरे पास फ़ोन में था इसलिए मेरे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, और मैं 1:30 बजे के बाद एंट्री कर सॉरी 11:30-12 बजे एंट्री की थी मैंने। तो अगर मैं बोर्डिंग पास निकलवाने जाती तो मुझे बहुत लेट हो जाता, बट फाइनली मैं बच गई और मेरा टाइम बच गया। तो चलो फटाफट से एंट्री कर लेते हैं और आगे का व्लॉग भी देख के जाना, और अच्छा लगे तो कॉमेंट सेक्शन में बताना। So right now
तो दिल्ली से दफा दूर करके फाइनली हम लखनऊ पहुंच गए, और लखनऊ में आपके सामने एक बस खड़ी होगी और वो आपको बाहर फेंक के आएगी एयरपोर्ट के, तो वहां से दफा दूर हो जाना और ज़्यादा देर वेट मत करना मेरी तरह, और आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे वेट किया, हमेशा की तरह वेट करना पड़ता है हमेशा। तो फाइनली ये बस हमें लेके जा रही है और एयरपोर्ट के पास ड्रॉप करेगी, वहाँ पे मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी, व्लॉग बनाने के बाद बाहर एग्जिट करूँगी, एग्जिट करने के बाद जो हाल है वो आप व्लॉग में देख लो, अगर अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है जैसा भी लग रहा है कमेंट में बता दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलो आगे मिलती हूँ, पूरा व्लॉग देख के जाना, कट मत करना। भाई 2 घंटे में भी किसी की हालत ख़राब होती है देख ले। और फाइनली यहाँ से एग्जिट करते हैं एंड देन मिलते हैं यार, बहुत ही बाहर सारे वेट कर रहे हैं, मेरा कोई वेट करने वाला नहीं है वैसा। चलो सो ना आई एम लखनऊ, नवाबों के शहर, और बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ। नहीं यार मैं आती जाती रहती हूँ, मैं खुद कितनी कंफ्यूज रहती हूँ ना कि मेरे को बोलना क्या है। ठीक है, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं प्रोफेशनल व्लॉग शूट करूँगी, अब ये कितना पॉसिबल है पता नहीं। और फाइनली मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, तो मेरे को पिकअप करने आ रहा है कोई, फिर दिखाती हूँ कि करने क्या आई हूँ और क्या करना है मेरे को आगे। यार धूप से मेरे को एलर्जी हो रखी है। आफ्टर 10 मिनट्स आई फील लाइक कि पूरा एयरपोर्ट खाली हो जाएगा ना, तब मेरे को लेने आएंगे, और यही होता है हर बार, चाहे स्टेशन पे हो चाहे, या ये एक्सपेक्टेशन ही थी। सो नाउ वी इन लखनऊ, नवाबों का शहर, और नवाबों के शहर में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है क्या बताऊँ आपको। तो दो होटल घूमने के बाद फाइनली ये होटल मिला है, और लखनऊ का एक्सपीरियंस क्या ही बताऊँ यार, मुझे कुछ बताना था, मैं पब्लिक व्लॉग करने वाली थी, मुझसे नहीं हो पाएगा यार, पता नहीं क्यों मुझे, यार मैं प्रोफेशनल व्लॉग कब करूँगी मैं। हाँ तो मुझे ये बताना था, मैं दिल्ली से निकली थी तभी बताना था, मेरा जो ट्रिप है फ्लाइट से, सबसे पहली मेरी जो ट्रिप थी वो प्रयागराज टू पुणे, पुणे टू प्रयागराज, फिर प्रयागराज टू दिल्ली, दिल्ली टू प्रयागराज, दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू दिल्ली, और नाउ दिल्ली टू लखनऊ। तो इतनी ट्रिप करी है मैंने अब तक, और भाई साहब चलो बेस्ट पार्ट दिखाती हूँ, क्योंकि होटल के कुछ बेस्ट पार्ट्स होते हैं जो कि दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो चलो डोंट वेस्ट अ टाइम, हम शुरू हो जाते हैं व्लॉग बनाना और दिखा देते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कंगारू को, राइट। तो ये देखें, नहीं उसका ये हाथ, नाउ सिमिलर, ओके चलो। पहले मैंने सोचा कि फ्लैश ऑफ कर दूं, फिर मुझे लगा नहीं 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 फ्लैश क्यों ऑफ करना है, यही तो क्वालिटी है मेरे फोन की। तो मैंने कहा चलो ये देख लो, ऐसा लग रहा है ना चीर फाड़ कर रहा है। ओके तो अब चलो फ्लैश ऑफ करके भी दिखा देते हैं। टेंटडे, तो आज मैंने एयरपोर्ट पे पहली बार ट्रैवल किया है, वो भी तैयार होके, राइट, जो कि मैंने जिंदगी में कभी भी ट्रैवल तैयार होके नहीं किया है। यार मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ, चलो अच्छा आपको बेस्ट पार्ट दिखाती, राइट, ये भी देख लो, फाइन।